नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज मैं योग विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज का मेरा विषय थोड़ा गंभीर है। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। आपको बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना होगा, समझना होगा और विचार करना होगा। आज स्कूली पढ़ाई के नाम पर जो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है, ये एक नया पैटर्न है और लॉकडाउन की स्थिति में मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के लिए इसकी अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो 3 से 4 घंटे लगातार किसी डिवाइस से कनेक्ट रहें। देखिए, अनेकों रिसर्च ये कहती हैं कि जो बच्चे लैपटॉप, मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट रहते हैं, ज़्यादा समय उसके साथ व्यतीत करते हैं, तो ऐसे बच्चों को के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जो इन डिवाइसों से निकलने वाला AMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके बच्चों के ऊपर। जिन बच्चों को अधिक डिवाइस के साथ रहने की आदत हो जाती है, उनको ट्यूमर, कैंसर और उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखी गई हैं और अनेक कई प्रकार के मानसिक रोग उनमें हो जाते हैं, ऐसा रिसर्च कहती है। और ये आप स्वयं भी कई बार फील करते होंगे, जब आप बहुत अधिक लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ करते हैं तो आप एक अजीब सी स्थिति को फील करने लगते हैं। लेकिन बच्चे जो अभी डेवलपिंग एज में है, जो ग्रोइंग एज में है, उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आज ये डिसाइड करना होगा कि हमें अपने सिलेबस पूरा करने के लिए बच्चों को ऐसे माहौल में उनके स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ करना है, या हमें लॉकडाउन की स्थिति में कुछ समय के लिए इसे टालना है। लॉकडाउन खुलेगा, आप बच्चों को जैसे क्लासेस होती थी पहले स्कूल में, वैसे ही आप बच्चों को सिलेबस पूरा करा सकते हैं। पेरेंट्स इस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दे सकते हैं, लेकिन डिवाइस से दूर रखें। मेरा ये सभी उन पेरेंट्स से भी विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स भी बड़े खुश हो रहे हैं कि स्कूल ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। बच्चे तो खुश होंगे क्योंकि उनको मोबाइल चलाने की आदत पहले से ही है, गेम इत्यादि खेलते रहते हैं। लेकिन लगातार 3 से 4 घंटे अगर आपके बच्चे मोबाइल से कनेक्ट रहेंगे तो इसका बहुत ही बड़ा उनके स्वास्थ्य पर, उनके मानसिक रोगों पर को बहुत ही बड़ा इफेक्ट आएगा। तो ये आज आपको डिसाइड करना होगा कि आपको सिलेबस चाहिए या अपने बच्चे की हेल्थ चाहिए। और मैं उन सभी स्कूलों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस प्रयोग को बच्चों के ऊपर ना करें, खासतौर पर जो बच्चे छोटे हैं उनसे इन डिवाइसों से दूर रखें उन बच्चों को, और इस पर पुनर्विचार करें और सरकार को भी इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, ताकि जो स्कूल इन नियमों को बना रहे हैं इस पर वो पाबंदी लगाएं, इस पर विरोध करें। और पेरेंट्स को, सबसे पहले पेरेंट्स यदि आगे आए तो इस पर, इस प्रयोग को बच्चों के ऊपर होने से रोका जा सकता है। उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, यदि उन्हें किया जाए तो दूसरे रास्ते भी खोजे जा सकते हैं। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का केवल यही एक पर्पज है कि आप अपने बच्चों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। फूल जैसे कोमल बच्चे, मासूम बच्चे, उनको अभी इसका ज्ञान नहीं है। तो आपको ज्ञान है, आप इस पर अमल करें, विचार करें, फैसला आपका है। आपको अपने बच्चों की हेल्प चाहिए या आपको सिलेबस पूरा होना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक पेरेंट्स तक ये पहुंचे, स्कूलों तक पहुंचे और वो इस पर विचार करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।